छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी अपडेट निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में जो है ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पदों पर जो है बम्पर भर्ती निकल कर आया। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव बनना चाहते हैं, आप जो है किस तरह से बन सकते हैं, ग्राम पंचायत सचिव में सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होता है, कौन कौन से बुक्स हैं आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है जिससे आप जो है ग्राम पंचायत सचिव बन सकें। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है अभी बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए एक के बाद एक जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है, भर्ती विज्ञापन जारी हो रहा है। जैसे आपका छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऐलान किया। एडीओ के 415 पदों पर भर्ती होना है, हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर, आमीन पटवारी के 288 पदों पर, सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइजर के जो है 3,000 पदों पर। ठीक इसी प्रकार आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पदों पर जो है सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ही अच्छी खबर है। आप जो है ग्राम पंचायत सचिव जो है बन सकते हैं। 12,800 पदों पर जो है सबसे बड़ी वैकेंसी आप स्टूडेंट के लिए निकल कर आया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी दूँगे ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हर एक जानकारी आप लोगों को अप टू डेट जो है मिलने वाला है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकलता है, आप उसमें अपना 100% दीजिए। जब आप 100% एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, अपना हार्ड वर्क करेंगे, स्टडी करेंगे, तभी आपको एक अच्छा बेहतर रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा। और आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और फर्स्ट बार जब मैं एग्ज़ाम दूंगा तो फर्स्ट बार में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन नहीं हुआ तो गिव अप कर दूंगा। ऐसा कभी भी मत सोचना। सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन बार बार कोशिश करने पर सफलताएं ज़रूर मिलती हैं। ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका जो है ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री जो है आपके पास होना चाहिए और इसके साथ ही रोजगार पंजीयन का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में फॉर्म फिलअप करते हैं तो उससे 6 महीने पहले ही आपका जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो रोजगार पंजीयन अवश्य रूप से करा लीजिए। सैलरी की बात करें कि ग्राम पंचायत सचिव में आपको कितना सैलरी मिलेगा, तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 25,000 रुपये जो है देखने को मिलता है, जो कि एक बिग और बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में आपके जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से CGPSC में प्री होता है, मेंस होता है, तो प्री में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जो है 2 एग्ज़ाम्स होंगे, वो भी आपके एक ही दिन होंगे। पेपर 1 आपके जो है 200 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 2 अंक के होंगे। तो 2-2 यानी 400 अंकों के जो है ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम्स होता है। तो 400 अंकों में कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 350 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 300 में, SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 250 में और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 240 में। यदि आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आया है 12,800 पदों पर जो है ग्राम पंचायत सचिव के। तो आप जो है अपना एफर्ट लगाइए, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। आप लोगों को तैयारी के लिए बुक बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़, क्योंकि व्यापम के द्वारा जो है ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम्स लिया जाएगा और व्यापम के कम्प्लीटली तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का CG व्यापम का आपको सॉल्व पेपर लेना है, सॉल्व बुक लेना है। उसमें जो है व्यापम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में दिया गया है वो सभी आपके कम्प्लीटली मिल जाएगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है व्यापम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपको जो है कॉम्पिटिशन अकेडमी हरिराम पटेल सर का ही छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ के वन,
इन सभी चीज़ों के नॉलेज पाना है तो आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन बुक लेना चाहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। और इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स, समसामयिक घटना चक्र के नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप करंट अफेयर्स के नॉलेज आपको नहीं है तो आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम है तो आपको छत्तीसगढ़ के भी करंट अफेयर्स जानना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के भी नॉलेज रखना है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए आपको विकास परख का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, तो दोनों से आपको जो है सीजी करंट अफेयर्स की तैयारी करना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपके जो है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका जो है मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ ही आपको मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैथ्स में आपका गणित में अनुपात, समानुपात, ज्यामिति, त्रिज्या, शंकु, आयात, लघुगणक, ये सभी चीज़ें क्षेत्रमिति पूछे जाते हैं। तो आपको जो है मैथ्स की तैयारी करने के लिए, मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको डॉक्टर आर एस अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिससे आपके मैथ्स की तैयारी अच्छे से हो पाए। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण, और रीजनिंग के लिए जो लॉजिक वाला अंकगणित रहता है तो लॉजिक वाला अंकगणित सॉल्व करने के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपके कम्प्लीटली दिया रहता है, जिससे आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो इन सभी चीज़ों को यदि आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और सब्र रखेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। कुछ मौके ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, और अगर हमने उसे खो दिया तो पूरी ज़िंदगी उसे खोने के लिए खुद को कोसते रहेंगे। फिर सोचते हैं हम कि काश काश ये मौका हमें फिर से मिल जाए, लेकिन वो मौका आपको जो है नहीं मिलने वाला है। इसलिए अफसोस करने से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर ग्राम पंचायत सचिव के आया है। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी को वीडियो जो है मिलते जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना जो है सपोर्ट दिखाइए। और आप लोग जो है वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं करते, प्लीज़ कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। सो थैंक यू। कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।